शिव जी ने कहा पार्वती, शिव जी कह रहे हैं पार्वती अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें घर कैसा बनाना है। एक स्त्री पर निर्भर करता है कि उसका घर कैसा उसको बनाना है, एक स्त्री पर, एक नारी पर निर्भर करता है कि उसको कैसा घर बनाना है। हमने एक कथा में कहा था घर बनाने के लिए दो अच्छे चाहिए, सुनी थी कथा, अरे बोलो तो जम के। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए, पहले नंबर पर मिस्त्री और दूसरे नंबर पर स्त्री। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए, एक मिस्त्री अच्छा चाहिए जो घर को अच्छे से बना दे, ढाल अच्छे से कर दे, सब कुछ अच्छा बना दे, और घर मिस्त्री बना भी देना, अगर मिस्त्री भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है चलेगा, पर स्त्री गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है, अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। इसलिए मिस्त्री और स्त्री दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। मकान बनाने वाला मिस्त्री अगर मकान का ढाल सही नहीं रखता, बाथरूम का ढाल सही नहीं रखता तो पानी भरा रहता है, छत पे पानी भरा रहता है, पानी घर में टपकने लगता है। और स्त्री अगर ठीक नहीं है, जरा जरा सी बात में क्रोध करे, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ करे, जरा जरा सी बात में क्रोध, एक मिनट में तो अच्छी रहे चंद्र घंटा और दूसरी देर में कुष्मांडा, तो क्या मत? मिस्त्री और स्त्री ठीक हो महाराज, अपने कर्म को करो। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते, पार्वती जी तुम अपने कर्म में लग जाओ और खूब मेहनत करो अपने कर्म में, तुम में वो बल है कि तुम घर बना सकती हो। एक स्त्री में वो बल होता है कि टूटे हुए झोपड़े में भी, अगर नारी संस्कारित है ना, अगर स्त्री संस्कारित है ना, तो टूटे हुए झोपड़े में भी अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेती है, और अगर संस्कारित नहीं है ना तो चार मंजिल का मकान भी छोटा पड़ जाता है। अगर संस्कार है तो टूटे झोपड़े में भी वो अपनी जिंदगी बना लेगी। इसीलिए हम हमारी बेटियों को हमेशा कहते हैं, थोड़ा हमारी बात का बेटियों को भी बुरा लग जाता होगा कि गुरुजी हर बार हम बेटियों से कहते हैं, पर हम अपनी भाषा में हमेशा अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटियों ध्यान रखना, हम हमारी बेटियों से हमेशा कहते आए हैं, 100 तरह के लड़के मिलेंगे, पढ़ाई करोगी, स्कूल जाओगी, ट्यूशन जाओगी, कॉलेज जाओगी, नौकरी करने जाओगी, 100 लड़के मिलेंगे, परंतु वो 100 लड़कों के साथ 100 साल की जिंदगी सही नहीं जी सकते, जो तुम्हारे पापा ढूंढ कर लाएंगे उसके साथ 100 साल की जिंदगी सही जी सकते, जो तुम्हारे पापा ढूंढ कर लेकर आएंगे। अपनी बेटी के लिए कोई पिता कोई हल्का फुल्का ढूंढ कर नहीं लाएगा, लाएगा तो एक श्रेष्ठ लड़का ढूंढ कर लाएगा कि मेरी बेटी के अनुकूल है, मेरी बेटी के अनुकूल। और बड़ी विडंबना का समय चल रहा है आज के जमाने में, लड़के ना जाने कौन कौन से धर्म के कैसे कैसे आते हैं, भुड़ भुड़ गाड़ी लेकर आएंगे, उनकी खुद की गाड़ी भी नहीं रहती, वो तो सुधरने आई थी, 10 रुपए का डीजल पेट्रोल डला के तुमको शान दिखाएंगे, थोड़ी बॉडी शॉडी दिखाकर और तुम्हें अपना बनाएंगे, नाम भी उसका सही नहीं बताएंगे, दूसरे नाम से तुमसे संबंध बनाएंगे, और एक दिन मालूम पड़े सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर हरिद्वार में पटक कर आ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है बेटियों से,
आपका पिता आपकी माँ आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, आपका बाप आपकी माँ आपकी महतारी आपकी मैया आपका पिता आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। सारे निर्णय आप लो, पर आपकी शादी का निर्णय आपके मां बाप के ऊपर छोड़ दो। सारे निर्णय आप लो, पर आपकी शादी का निर्णय आपके मां बाप पर छोड़ दो। वो माता पिता तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। दोस्ती किसी से भी हो, ये धर्मगुप्त की दोस्ती थी, गलत जगह संगत में पड़ गया, एक दिन का गलत भोजन ग्रहण कर लिया उस धर्मगुप्त ने एक दिन का गलत भोजन ग्रहण कर लिया और मालूम पड़े रीच के साथ धोखा कर दिया। जरा विचार करिएगा, गलत अन्न गलत स्थान गलत जगह हमको बर्बाद कर देती है। बहुत ध्यान देना, सब्जी के ठेले पर मक्खी बैठती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। सब्जी तुल रही है उस पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। किराना तुल रहा है, किराने पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। शक्कर पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। गंदे भोजन पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सुनार की दुकान में कांटे के ऊपर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 5,000 की हो जाती है। सब्जी पर मक्खी बैठी उसकी कोई कीमत नहीं है, किराने पर मक्खी बैठी उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वो मक्खी जब सोने के कांटे पर जाकर बैठ जाती है, सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाती है और सोना तुल रहा हो उस सुनार के उस पलड़े पर जाकर बैठ जाती है तो मक्खी की कीमत हो जाती है। उसी तरह तुम इधर उधर फालतू जगह बैठोगे तो तुम्हारी कीमत नहीं होगी, पर तुम शिव के चरणों में जाकर बैठोगे तो तुम्हारी कीमत श्रेष्ठ होगी। इतने सारे बैठे हैं, इन्होंने टाकीज में कभी फोन नहीं लगाया होगा कि हमको सीट दिला दो, पर कथा में बैठने के लिए अच्छे से अच्छे सूरमा को फोन लगाना पड़ता है कि मुझे कथा में बिठा दो। टाकीज में बैठने के लिए कोई फोन नहीं लगाता, मॉल में घूमने के लिए कोई फोन नहीं लगाता, पर जब शिव महापुराण की कथा होती है, कुबेरेश्वर धाम से बाबा आए और शिव महापुराण की कथा कर जाए तो लोग पहले से कहते हैं देखो हमारी सीट कर देना, पास दे देना, VIP पास दे देना, हम तुम्हारे रिश्तेदार, हम तुम्हारे काका जी, हम तुम्हारे नाना जी, हम तुम्हारी बुआ जी, भले थोड़ा बहुत ले लेना पर हमको बिठा देना, हम वो आए हम ये आए। जरा विचार करो, विचार करिएगा जरा, टाकीज के लिए किसी ने फोन नहीं लगाया, मॉल के लिए किसी ने फोन नहीं लगाया, अच्छे अच्छे पद और कहीं पर भी चले जाओ, कभी सम्मेलन में आधिकाधिक जगह पर चले जाओ, उसके लिए कोई फोन नहीं आएगा। पर शिव महापुराण की कथा जब अपने क्षेत्र में होती है और सूचना मिल जाती कथा हो रही है तो पूरे अमलेश्वर वालों के पास फोन आते हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार, हम आएंगे, हमारी आगे व्यवस्था कर देना। खंडेलवाल जी से पहचान है कि नहीं तुम्हारी, साहू जी से पहचान है कि नहीं तुम्हारी, हो हमको बिठा देना, आगे बिठा देना, हमको बिठा देना। सबसे बड़ा टेंशन है शंकर जी के चरणों में बैठना, बड़ा बारी का हमें बिठा देना, बस इतनी कृपा कर ये दया। और बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसके भरोसे चल, उसके आश्रित होकर चल। वो कितना साथ देता है, कितना, उसके बराबर कोई साथ नहीं दे सकता। हम पहले भी कहे हैं, 1 बजे कथा चालू होती है, 1 बजे के पहले का टेम्परेचर आपके पंडाल का देखना, और 1 बजे से जब कथा सुनने बैठ जाओ तब सूर्य देवता भी धीरे धीरे हल्की हल्की छाँव फिर धूप फिर छाँव फिर धूप धीरे धीरे आपको सहलाते रहते हैं और आपको कथा सुनाते रहते हैं। ये उसकी कृपा है।